इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने लीगी रहनुमा नज़ीर चौहान और दीगर 8 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। आबिद खान इस मुतालिक आगाह करेंगे, कहिए आबिद। जी बिल्कुल जी, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की एडमिन जज अबर गुल ने जो है वो मुस्लिम लीग के रहनुमा नज़ीर चौहान समेत 8 मुलजिमान की पुलिस पार्टी पर हमला और फायरिंग के मामले जो केस है उसमें उनकी जमानत मंजूर करते हुए 1-1 लाख रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने फैसले में ये करार दिया है कि जो शवाहिद है उसके मुताबिक सिर्फ स्पॉट पर फायरिंग की गई, उसे कोई इंजरी नहीं हुई, लिहाजा ये केस जो है वो मजीद तहकीक और तफ्तीश का जो है वो मुतकाजी है, इसकी तफ्तीश की जाए। अदालत ने तमाम मुलजमान के 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। नज़ीर चौहान के वकील का ये कहना था कि पुलिस पार्टी पर हमले और फायरिंग का कोई वाकया पेश नहीं आया, थाना चूंकि सियासी बुनियादों पर जो है सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए नज़ीर चौहान और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आबिद शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक्वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY News पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।